इसी तरह ये फिंगर, ये जो होता है इंडेक्स फिंगर, इसका नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ता है बनस्बत ये लिटिल फिंगर के, ये छोटी वाली उंगली, इसका नाखून आस्ता बढ़ता है, इसका तेज़ बढ़ता और क्या जल्दी जल्दी काटने के साथ उनका तनासब तब्दील होता रहता है? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तो अपने हिसाब से ही बढ़ेंगे जी, ऐसे काटने से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से हमारे जज्बात, हमारे जिस्म, हमारी सेहत, हर चीज़ पर असरानंदाज़ होता है, क्या नाखूनों के ऊपर भी मौसम के असरात आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह सर्दियों का मौसम होता है नाखूनों की जो है वो ग्रोथ कम हो जाती है, गर्मियों का जब मौसम होता है नाखूनों की ग्रोथ बढ़ जाती है जी। उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ तो इतनी सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो दूसरे हैं सर्द ममालिक, तो उसमें सर्दी की वजह से जो हमारे एक्रल पार्ट्स होते हैं यानी कि जो बिल्कुल पोरे होते हैं, उधर तक ब्लड सप्लाई जो होती है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती एज़ कम्पेयर टू वार्म वेदर। जब हमारे यहाँ गर्म मौसम होता है तो ज़ाहिर है कि मतलब सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि जितनी सर्कुलेशन ज़्यादा होगी उतना ही नाखून तेज़ी से बढ़ेगा, तो नाखून जो होता है सर्दियों में तो उसका बढ़ना थोड़ा सा कम हो जाता है, गर्मियों में जो है नाखून तेज़ी से बढ़ते हैं। अशरफ साहब, नाखूनों के मामले में आमतौर पर ऐसी कौन सी शिकायत या अमराज होते हैं जिनके साथ मरीज़ आपसे रुजू करते हैं? नाखून में तीन तरह के मतलब वो होते हैं शिकायत, हाँ बीमारियाँ जो होती हैं बुनियादी तौर पर, एक तो नाखून का कलर चेंज हो जाता है, पीला हो गया, हरा हो गया, काला हो गया जी। दूसरा जो होता है वो नाखून की शेप चेंज हो जाती है, क्या हुआ जी ये नाखून जो है तरह तरह से मतलब धस गया अंदर, नाखून बढ़ते नहीं हैं, आगे से टूट जाते हैं, नाखून मोटा हो गया जी, नाखून मोटा होने के बाद जो है वो टूट गया, मतलब मुख्तलिफ उनकी साख्त यानी स्ट्रक्चर वाइज जो होता है ना वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं या उनकी अब नॉर्मल साख्त हो जाती है, नाखूनों में लकीरें पड़ जाती हैं। और तीसरी जो होती है वो नाखूनों के साथ जो जिल्द है, नाखून जिस जिल्द से जुड़ा हुआ है उंगली के, उसकी बीमारियाँ होती हैं कि जी सबसे ज़्यादा जो मतलब उसका शिकार हो जाते हैं कि जनाब नाखून पक जाता है जी, नाखून पक गए फिर उसके मेरे ख्याल से ये सबसे आम मामला है जो बहुत ज़्यादातर सामने आ रहा होता है, और इसमें उम्र की कोई कैद नहीं होती, कोई नहीं, कोई उसमें कोई कैद नहीं होती है, नाखून पक जाते हैं, फिर नाखूनों के साथ जो होते हैं पेरियंगल वार्ट्स यानी मसे वगैरह जो हैं वो हो जाते हैं, नाखून का जैसे कोई ट्रामा हो गया ना, आमतौर पर देखा होगा आपने जी वो नाखून पर चोट लग गई, काला हो गया नाखून, तो ये मतलब इस तरह के जो होते हैं नाखून के इस तरह के फिर नाखून अंदर धस जाता है बाज़ औक़ात लोगों के, क्योंकि वो अंदर जो है वो टाइट जूते वगैरह पहनने की, तो इस तरह के जो है हमारे पास केसेस आते हैं नाखून के। अच्छा डॉक्टर साहब, नाखून पकने का जैसे आपने तस्करा किया, तो नाखून इस तरह से पकते हैं, तो ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ये मर्ज सामने आता है, और इसके मामले में इलाज का क्या तरीक़ेकार होता है? देखिए ये नाखून उन लोगों के ज़्यादा पकते हैं कि जो पानी में हाथ ज़्यादा डालते हैं, मतलब घरेलू ख़वातीन जो हैं हमारे इस मर्ज़ का शिकार बहुत ज़्यादा होती हैं जी एज़ कम्पेयर टू मेल। अब मर्द भी इसका शिकार होते हैं, वो लोग ज़्यादा हो जाते हैं जो कि पानी वगैरह भी पड़ जो पानी का जी जो पानी का काम ज़्यादा करते हैं, मतलब जैसा डिश वाशर जो अगर आदमी हमारे यहाँ भी कोई आदमी भी अगर बर्तन धो रहा है, कपड़े धो रहा है, या औरतों का ज़ाहिर है डेली का यही काम है कि उनको धोना है, तो वो अपनी जो है ना हाथ की प्रॉपर केयर नहीं करते दरअसल। और जैसे कि मैंने बताया कि जो जिल्द है नाखून के साथ जो वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है नाखून को बचाने में, अगर वो जिल्द जिसको हम बारीक सी झिल्ली होती है उसको क्यूटिकल कहते हैं, अगर ये क्यूटिकल जो है ना आपकी इंटैक्ट है, जुड़ी हुई है नाखून के साथ, तो समझें कि आपका नाखून हेल्दी है। लेकिन क्योंकि रिपीटेडली आप जो है वो कास्टिक में और मुख्तलिफ़ किस्म के डिटर्जेंट में हाथ डाल रहे हैं, साबुन में हाथ डाल कर वो कर रहे हैं, मतलब अपने काम कर रहे हैं, तो नतीजा ये होता है कि वो जो क्यूटिकल है वो डिस्टर्ब या फट जाती है अपनी जगह से, जख्म हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि उस जगह पे जरासीम आस्ता आस्ता जमा होना शुरू हो जाते हैं, और एक जरासीम होता है जिसका नाम होता है स्टेफलोकोकस ऑरिस, ये बड़ा नोटोरियस बड़ा ख़तरनाक किस्म का होता है, रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन करता रहता है, तो वो उस जगह जाके जमा हो जाता है, वो उस जगह बैठ जाता है, और बैठने के बाद फिर जो होता है इन्फ्लेमेशन का अमल या पकने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है, और फिर वो नाखून जो है वो एक पीप का पॉइंट बन जाता है, और बहुत तकलीफ़ होती है पेशेंट को, जिनको नाखून पकते हैं उनसे पता करें वो कहेंगे कि हाँ जी जब ये नाखून पकता है तो बहुत ज़्यादा बहुत तकलीफ़ होती है जब तक कि उसमें से वो पीप निकल ना जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बारे में ख्याल ये भी पाया जाता है कि अमूमन नाखूनों के पीछे की एक जगह होती है जहाँ पर हल्का सा स्किन का एक टैग होता है जी जी, अक्सर बड़े बुजुर्ग कहा करते थे इसको निकाल देने की वजह से, या उसको जब तोड़ते हैं बच्चे जिसके अंदर हल्की सी तकलीफ़ भी होती है जी जी, तो उसकी वजह से नाखून पकते हैं, क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, उसी जिस टैग का नाम आप ले रहे हैं उसको मैं क्यूटिकल कह रहा हूँ,
जिसको शायद उर्दू में जुगाला कहा करते थे मैं उसी को क्यूटिकल कह रहा हूँ, वो जो जिल्द नाखून और जो स्किन जो जुड़ी हुई है ना, उसके बारीक सी जो जुगाला जिसका आपने नाम लिया, तो वो जगह जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यूटिकल उसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं। और बच्चे आमतौर पर अंगूठा चूसने वाले या इस तरह, और बाज़ लोगों की तो आदत होती है, वो शायद मेरे ख्याल ऐसे नाखूनों को खाते रहते हैं साइड से जी है ना, तो वो लोग भी इसका ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, नाखूनों के मामले में क्या फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं? 50% जो नाखून की बीमारियाँ होती हैं उसमें फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल 50%, यानी एक बहुत बड़ा तनासुब है कि नाखूनों में जो बीमारियाँ होती हैं वो फंगस की वजह से होती हैं। 50% नाखूनों की बीमारी नाखून नेल प्लेट की बीमारी जो है ना, प्रॉपर नाखून की फंगस की वजह से हो जाएगी। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर नाखूनों की सेहत के मुताल्लिक मज़ीद बात की जाएगी कि वॉचिंग द हेल्थ शो। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ नाखूनों की सेहत के मुताल्लिक, आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे थे कि फंगल इन्फेक्शंस 50% जो नाखूनों में बीमारियां पाई जाती हैं उसके ज़िम्मेदार होते हैं, इन फंगल इन्फेक्शंस के साथ देखा ये गया है कि अमूमन या तो ये लौट आते हैं या जाने में इतनी ताखीर होती है कि इंसान इलाज करवाना छोड़ देता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि नाखून की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है। अगर एक नाखून में फंगस लग गया, से फॉर एग्जांपल उंगली के नाखून में, तो नाखून को कंप्लीट जो है वो बढ़ने में 3 से 6 महीने लगते हैं जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलाज उसका 6 महीने, जब तक कि वो सिरे से लेकर आखिर तक जो है वो पूरा नाखून नहीं निकल जाता, कट कट के साफ हो जाए, तब तक समझेंगे उधर फंगस बैठा हुआ है। आप छोड़ेंगे वो दोबारा से ग्रो कर जाएगा। आप फिर जब इलाज करेंगे, 2-3 महीने आपने इलाज किया, आप सही हो गए, आप समझे कि मैं सही हो गया, आपने इलाज छोड़ दिया, तो ये। और दूसरा ये कि पैर का अंगूठा सबसे ज़्यादा जो फंगल इन्फेक्शन होता है नेल होता है, वो बिग टो में होता है जो कि सबसे आहिस्ता वो सबसे आहिस्ता बढ़ता है, वो 12 से 18 महीने में तो जाकर तब्दील होता है, पूरा नाखून निकलेगा, ख़त्म होगा वहाँ से जहाँ तक फंगस शुरू हुआ था। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इतना लंबा इलाज करे कौन, हालांकि बड़ी अच्छी दवाएँ आ चुकी हैं जी, बहुत अच्छी दवाएँ आ चुकी हैं। आप उनका 4 महीने का कोर्स कर लें, 1 महीने के मतलब होता है पल्स थेरापी कहलाती है वो, तो उसमें वो हो जाता है। लेकिन लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं, वो ये कहते हैं कि जी बस जी वो हमने तो उसको दिखाया, फिर उसको दिखाया, फिर उसको दिखाया, हमने उसका भी हकीम का भी इलाज करा लिया, फराने का करा लिया, लेकिन प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट के पास अगर जाएं जी, और सबसे बड़ी बात है काउंसलिंग, और आपका जो डर्माटोलॉजिस्ट है आपको काउंसलिंग करे, समझा दे बात। कम से कम मेरे पास मरीज आते हैं तो मैं सबसे पहला काम यह करता हूँ, हर बीमारी को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि ये भी अंदाजा हो जाए कि इलाज कितना तवील और ज़हनी तौर पर वो उसके लिए तैयार, ज़हनी तौर पर कि आपको अगर पहले ही पता चल जाए कि हाँ जी मेरा ये इलाज है इतने अरसे का और डॉक्टर साहब ने कहा है, तो फिर आदमी मान जाता है। और अगर हम झूठी तसल्लियाँ दें, नहीं जी बस ये तो ये महीने के अंदर अंदर सही हो जाएगा, मैं यहाँ सी पक्की दे रहा हूँ, ऐसी दवा दे रहा हूँ, यूँ कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, छू मंत्र उड़न छू, तो ये कुछ भी नहीं होगा। मरीज का आप जो है कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, नतीजे के तौर पर यही होगा कि वो बेचारा कभी इधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, उसको होगा नहीं, फिर आखिर कहेगा नहीं जी मैंने बहुत डॉक्टरों को देखा है कभी सही नहीं होता, होगा कैसे जी? आप अच्छा सब तो करें। इसी तरह से एक और मर्ज़ है, जैसे नाखूनों में कभी कभी गढ़े पड़ जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है, या पिटिंग जिसको कहते हैं, पिटिंग ऑफ द नेल जी? ये पिटिंग ऑफ द नेल जो है आमतौर पर तकरीबन 50-60% लोगों में तो नॉर्मल भी होता है कि 2-4 छोटे छोटे गढ़े पड़ जाते हैं, 2-4-5 पड़ जाएँ कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन एक आटोम्यून बीमारी होती है जिसे एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं हम अपनी ज़बान में, जैसे बालखोरा कहते हैं, कि जिसमें जो है जगह जगह से सर के ऊपर से गोल गोल से टिकले की सूरत में जो है बाल बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, चिकनी हो जाती है जल्द, कभी सोकर उठे तो इधर से बाल जो है वो निकल गए, कभी उधर से, कभी मूछें झड़ जाती हैं, पलकें भमें, दाढ़ी के बाल झड़ गए, इवन पूरे सर के बाल, पूरे जिस्म के बाल भी उसमें एलोपेशिया में जो है एरिएटा या एलोपेशिया टोटालिस यूनिवर्सलिस, उसके मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं, उसमें जो है झड़ जाते हैं, तो पिटिंग का उससे पिटिंग जो है उसके अंदर एक डायग्नोस्टिक साइन होती है। तकरीबन 50-60% एलोपेशिया एरिएटा के जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर ये पिटिंग, छोटे छोटे गढ़े जो है वो आ जाते हैं। फिर एक बीमारी होती है सोराइसिस नाम की जल्दी, उसमें भी पिटिंग जो है वो देखी गई है। एक और बीमारी लाइकन प्लानिस एक्जिमा की किस्म होती है, उसमें भी पिटिंग होती है। तो ये एक 50-60% तो नॉर्मल भी आम आदमी में भी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा जो होते हैं कुछ जल्दी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें पिटिंग जो है वो देखी जाती है जी। अच्छा डॉक्टर साहब।